हेलो फ्रेंड्स, आज की स्पीड में जानेंगे अक्षय कुमार की रक्षाबंधन फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन और बजट के बारे में। रक्षाबंधन फिल्म हिट रही है फ्लॉप, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रक्षाबंधन एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के लीड रोल में दिखाई दिए थे अक्षय कुमार और भूमि बेडनेकर। रक्षाबंधन फिल्म को डायरेक्ट किया था आनंद एल रॉय ने एंड इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो ने एंड इस फिल्म को डायलॉग भी हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो ने दिए थे। प्रोड्यूस किया था रक्षाबंधन फिल्म को जी स्टूडियो, आनंद एल रॉय, अलका हीरा नंदानी और अक्षय कुमार ने। म्यूजिक दिया था इस फिल्म को हिमेश रेशमिया ने एंड 11 अगस्त 2022 को ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 3000 स्क्रीन्स में रिलीज हुई थी। इंडिया में इस मूवी को 2200 स्क्रीन्स मिली थी एंड ओवरसीज 800 स्क्रीन्स में रिलीज किया गया था। रक्षाबंधन फिल्म का बजट था 70 करोड़ और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 8 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था एंड पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 38 करोड़ 18 लाख का कलेक्शन किया था। दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 4 करोड़ 82 लाख का कलेक्शन किया था। रक्षाबंधन फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन रहा था 43 करोड़ 32 लाख एंड इंडिया ग्रॉस कलेक्शन रहा था इस फिल्म का 52 करोड़ 3 लाख। ओवरसीज में इस फिल्म ने 8 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था इस फिल्म का 60 करोड़ 63 लाख एंड अगर बात करें रक्षाबंधन फिल्म के हिट और फ्लॉप की तो ये फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। सो फ्रेंड्स, ये था रक्षाबंधन फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन एंड अगर आपने रक्षाबंधन फिल्म देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगली वीडियो में।